हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, और उनमें हमने बात करी प्रभावी नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव, मुख्य क्वांटम संख्या n, कक्षकों की भेदन क्षमता, लेंथ नेट संकुचन प्रभाव, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, संक्रमण संकुचन प्रभाव की। ठीक बात है। एक क्वेश्चन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 3D श्रेणी से संबंधित होता है। हम ये कहते हैं 3D श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या का क्रम बताओ। त्रिज्या का क्रम क्या होगा? एक क्वेश्चन तो ये बनता है, एक क्वेश्चन अपने पास बनता है 3D श्रेणी में सबसे छोटे आकार का तत्व है, सबसे छोटे आकार का तत्व है। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे छोटे आकार का तत्व कौन सा होगा? ऑप्शन ए स्कैंडियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी निकल और ऑप्शन डी ZN। तो आपने अब तक जितने कॉन्सेप्ट लगाए हैं, आपने आवर्तिता की बात करी, तो आपने कहा एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या का मान कम होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है। जब हम 3D श्रेणी की बात करते हैं तो 3D श्रेणी में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये तत्व आते हैं। ठीक बात है। तो अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं तो हम कहते हैं बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या के मान में कमी आएगी, मतलब इसका आकार सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 3D श्रेणी में सबसे छोटे आकार का तत्व जो है वो किसको माना गया है? Ni, निकल को माना जाता है। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा Ni। कैसे है उसको समझिए। देखिए, यहां से यहां तक 3D श्रेणी के प्रथम आधे भाग में स्कैंडियम से Mn तक जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार क्या होती है? बढ़ती है। इसके पास एक, इसके पास दो, तीन, चार, पांच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्ट के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। और आप सबको पता है अगर जेड इफेक्ट बढ़ता है तो त्रिज्या के मान में क्या हो जाती है? कमी आती है। मतलब प्रथम आधे भाग में तत्वों की त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। इसके बाद FeCONi, इन दो तीन तत्वों के केस में यहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। युग्मन क्या हो गया? प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी कक्षक में, और 6 होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 4। इसका मतलब यहां तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़े, लेकिन यहां से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटना प्रारंभ हो गए। और जैसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटना प्रारंभ होंगे, हम कहेंगे एस इफेक्ट का मान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ने लग जाता है। तो यहां युग्मन प्रारंभ होगा, युग्मन प्रारंभ होने के कारण एस इफेक्ट का मान बढ़ने लग जाएगा। तो एस इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा और जेड इफेक्ट कम होगा। मतलब इन तीन तत्वों के केस में एस इफेक्ट जेड इफेक्ट को क्या कर देगा? संतुलित कर देगा। दोनों के मान एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के कारण यहां इन तत्वों की जो त्रिज्या है उसमें त्रिज्या में क्या पाई जाएगी बेटा? समानता पाई जाएगी। मतलब इन तीन तत्वों की त्रिज्याएं लगभग क्या होगी? इक्वल, समान त्रिज्याएं पाई जाएगी। लेकिन इधर वाले तत्वों में अब युग्मन बढ़ रहा है, तो इधर आते आते युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से। मतलब यहां आने पर एस इफेक्ट प्रभावी हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन प्रभावी हो गया? एस इफेक्ट। यहां जेड इफेक्ट प्रभावी था, यहां एस इफेक्ट प्रभावी हो गया। और जैसे ही एस इफेक्ट प्रभावी होगा, हम कहेंगे त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक त्रिज्या घटी, FeCONi में त्रिज्या समान रही, और लास्ट वाले जो दो तत्व हैं इनके केस में त्रिज्या का मान क्या हो गया? बढ़ गया। या आप इसको ग्राफ के थ्रू देखें, ठीक बात है। यहां हमें त्रिज्या ली, परमाणु त्रिज्या, और इधर हमने लिया परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो देखिए, प्रथम तत्वों में इस तरह से, बीच वाले तत्वों में समान रहेगा, और लास्ट वाले तत्वों में वृद्धि। मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और एफी, यहां तक त्रिज्या का मान लगातार क्या हो रहा है? कम।
FeCONi, इनके लिए त्रिज्या का मान समान है, और लास्ट में कॉपर और जिंक। और एक बात, जहां भी त्रिज्याएं समान आएगी, जहां हम यह कहेंगे कि त्रिज्या के मान में लगभग समानता है, हम कहेंगे बाद वाला जो तत्व है उसकी त्रिज्या को छोटा माना जाएगा। तो देखो Fe और CO की त्रिज्या बराबर है तो दोनों में से छोटा कौन होगा? Fe। CO और Ni की त्रिज्या बराबर है तो छोटा कौन होगा? Ni। और इसके बाद त्रिज्या बढ़ गई, इसका मतलब Ni की त्रिज्या जो है वो इस 3D सीरीज में सबसे कम होगी। मतलब ऑर्डर आप यहाँ देख सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Fe, ठीक बात है। त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसकी हो रही है? इसकी। फिर इसके बाद देखो Fe और CO की त्रिज्या बराबर होगी, Ni और CO की त्रिज्याएं बराबर होगी, कॉपर की ज्यादा और कॉपर से ज्यादा किसकी होगी? जिंक की। तो 3D श्रेणी का सबसे छोटे आकार का तत्व कौन सा होगा? निकल, Ni होगा। क्लियर है क्वेश्चन? फिर देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से तत्वों के कौन से युग्म की त्रिज्याएं समान है? तत्वों के कौन से युग्म की त्रिज्याएं समान है? ऑप्शन ए ZR और HF, ऑप्शन बी CO और Ni, ऑप्शन सी AL और GA, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक बात है। तो देखो ZR और HF, इनको हमने आवर्त सारणी का जुड़वां तत्व बोला था क्योंकि इन दोनों तत्वों के केस में लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव लग रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव, तो त्रिज्या लगभग समान होगी। CO और Ni, इन दोनों के केस में जेड इफेक्ट एस इफेक्ट को संतुलित कर रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो त्रिज्याएं समान होगी। AL और GA, इनमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन प्रभाव, संक्रमण संकुचन प्रभाव लग रहा है, इसलिए त्रिज्याएं लगभग समान होगी। मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। क्लियर? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से तत्वों के किस युग्म में त्रिज्या का अंतर सर्वाधिक होगा? त्रिज्या का अंतर सर्वाधिक होगा तो देखो ऑप्शन ए ZR एंड HF, ऑप्शन बी K एंड CA, ऑप्शन सी Fe एंड CO, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए आपने कहा त्रिज्या समान होती है, इसके लिए आपने कहा त्रिज्या समान होती है, मतलब ज़्यादा अंतर किस में आएगा? K और CA की त्रिज्याओं में सबसे ज़्यादा अंतर होगा। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इधर चलो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक बात है। लिथियम से सोडियम की त्रिज्या ज़्यादा होती है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, इसका मतलब इन दोनों में से किसकी त्रिज्या ज़्यादा है? लिथियम की। लिथियम से ज़्यादा किसकी होगी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम की। सोडियम से ज़्यादा कैल्शियम की। कैल्शियम से ज़्यादा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से ज़्यादा बेरियम, और बेरियम से ज़्यादा किसकी होगी? पोटेशियम की। तो सबसे ज़्यादा अंतर किसका होगा? पोटेशियम और कैल्शियम का, इसके बाद इसकी और सबसे ज़्यादा इसकी। मतलब एक और क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे बड़े आकार का तत्व है तो फिर आपका आंसर आएगा उसमें सीजियम। आंसर क्या आएगा? सीजियम।
पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार कौन से तत्व का है? सीजियम का। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। और आवर्त सारणी के इस वाले भाग में, एस खंड में, सीजियम यहाँ आता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ेगी, इधर से इधर जाने पर घटेगी, तो सबसे ज़्यादा त्रिज्या किसकी होगी? सीजियम की। फ्रांसियम नहीं करना है, क्योंकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। फ्रांसियम कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव। इसलिए हम किसकी त्रिज्या को सबसे बड़ी त्रिज्या मानकर कंसिडर करते हैं? सबसे बड़ा आकार किसका है? सीजियम का। क्लियर? एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको और मेंशन करना है, वो ये है कि अगर हम एक तो बात करें त्रिज्या की और एक हम बात करें आकार की, तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ी त्रिज्या जो है वो अक्रिय गैसों की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है बेटा? अक्रिय गैसों की त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, क्योंकि अक्रिय गैसें VWR वांडरवाल्स त्रिज्या रखती है, और वांडरवाल्स त्रिज्या सभी ज्ञात त्रिज्याओं में सबसे बड़ी होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा आकार, तो आकार हमेशा बेटा सबसे बड़ा होगा सार धातुओं का। आकार सबसे बड़ा किसका होगा? सार धातुओं का आकार सबसे बड़ा होता है। क्लियर? तो ये त्रिज्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप लोगों को सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है परमाणवीय गुणों में। सेकंड पॉइंट पर हम चलते हैं, आयनन विभव। आयनन विभव, ये जो आयनन विभव है इसी को आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक बात है? क्या कहा जाता है? आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। क्लियर? देखो सबसे पहली चीज, आयनन विभव है क्या? तो हमने कहा किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए, इसको बाहर निकालना है, निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। क्लियर? डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? आपको बाहर करना है, निकालना है, निष्कासित करना है। उसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा कहलाती है। जो आयनन विभव है, अब ठीक है, निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो ऊर्जा हो गई, ऊर्जा है तो इसका मतलब इसका जो मात्रक है वो क्या हो गया? किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है, या इसका मात्रक किलो जूल पर मोल हो सकता है। और हमने इसको विभव की टर्म में लिखा है, इसलिए इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी हो सकता है। समझ में आ गई बात सबके? तो आयनन विभव की यूनिट क्या क्या है? तो हमने कहा आयनन विभव की यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होंगे। क्लियर? फिर देखिए, हम ये कहते हैं कि मान लो हमारे पास एक परमाणु है एम, इस एम परमाणु से आपने एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? एम प्लस में। फिर इससे एक और इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया, तो ये किस में बदल जाएगा बेटा? एम प्लस टू में। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया, तो किस में बदल जाएगा? एम प्लस थ्री में। मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इसको बोला जाता है फर्स्ट आईपी। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको बोलते हैं सेकेंड आईपी। इसको बोलेंगे बेटा थर्ड आईपी। पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको फर्स्ट आईपी, फिर दूसरा निकलेगा सेकंड आईपी, फिर तीसरा निकलेगा थर्ड आईपी। कभी भी तीन इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलते, हमेशा स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे तो हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन निकालना फर्स्ट आईपी, दो निकालना सेकंड आईपी, तीन निकालना थर्ड आईपी। और ये जो पूरी घटना है कंप्लीट, इस घटना के आधार पर जो आईपी आ रहा है उसको बोलते हैं बेटा क्रमागत आयनन विभव। उसको क्या बोलेंगे? क्रमागत आयनन विभव बोला जाएगा। और क्रमागत आयनन विभव का अगर हम क्रम देखें कि कौन सा क्रमागत आयनन विभव में इन तीनों में से कौन से आईपी का मान ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे इन तीनों में से जो थर्ड आईपी है आपका, उस थर्ड आईपी का मान सेकंड आईपी और फर्स्ट आईपी की तुलना में ज्यादा होता है।
अब थर्ड आईपी क्यों ज्यादा हुआ? तो हमने कहा देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, उदासीन परमाणु है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। पर इसके ऊपर धनावेश आ गया, और धनावेश आ गया तो हम क्या कहेंगे, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, धनावेश आया तो हम कहेंगे जेड इफेक्ट बढ़ेगा, और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा, और आकार छोटा हो गया तो अब आप आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। इसलिए हमने कहा थर्ड आईपी, जैसे जैसे उधर बढ़ोगे आवेश का मान बढ़ेगा। तो मैं ऐसे लिख दूं, क्या आवेश चार्ज बढ़ेगा, चार्ज कौन सा बढ़ा रहे हो, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश बढ़ेगा, धनावेश बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा, और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार में क्या होगी, कमी, और जब आकार कम होता है तो हम कहते हैं आयनन विभव जो है उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है क्योंकि उदासीन परमाणु से निकालना है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए हम कहेंगे आईपी का मान बढ़ जाएगा। तीसरा निकालेंगे और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आईपी का मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। यह कंडीशन आती है क्रमागत आयनन विभव के अंतर्गत। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए अब हम ऐसे कहते हैं एक आवर्त में बाएं से दाएं जाना है और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाना है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में कमी आती है, परमाणु का आकार कम होता है तो आईपी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। अगर हम बात करें वर्ग की, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, इसलिए आईपी का मान क्या होता है, हमेशा घटता है। और अभी अभी आपने कहा था कि सीजीएम पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार रखता है, तो सीजीएम का आकार सबसे बड़ा है, आकार बड़ा है तो उसका आयनन विभव सबसे क्या होगा, कम होगा। समझ में आगे बात? तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार किसका, सीजीएम का। पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम आईपी किसका, हम कहेंगे सीजीएम का। ठीक बात? तो देखो हम ये कहते हैं बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर, तो जो आप इधर से इधर जा रहे हो तो आईपी बढ़ रहा है क्या, इसका मतलब जो तत्व यहां आएंगे एक आवर्त का अंतिम तत्व, तो क्या ये अक्रिय गैसें हैं, क्या अक्रिय गैस तत्व, तो आप हर आवर्त में इधर जाओगे तो अक्रिय गैस आएगा एटलीस्ट, और अक्रिय गैसों के लिए आप कहते हो वो पूर्ण पूरित विन्यास रखती है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं करती है। तो दो फैक्टर लग गए, इधर से इधर जाने पर साइज क्या हो रहा है, कम, एक बात। नंबर दो, इधर से इधर जाने पर अक्रिय गैसें आ रही है और वो पूर्ण पूरित विन्यास रख रही है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं एक आवर्त में अक्रिय गैसों का आयनन विभव, एक आवर्त में अक्रिय गैसों का आयनन विभव सबसे अधिक होता है, अक्रिय गैसों का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। समझ में आ गई क्या बात, कर सकते हैं? चलिए अब इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स लेंगे। मान लो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर वन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनको आपको आईपी के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम क्या कहेंगे, ये सभी एक ही वर्ग के सदस्य हैं, तो मतलब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो, और वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आईपी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब इनमें से सबसे कम आईपी इसका होगा और सबसे ज्यादा इसका, तो क्रम क्या हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। समझ में आई बात? अब चलो अब बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारकों की, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केस भी आएंगे, वो अपन कारकों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, आईपी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आकार, क्योंकि हम ऐसे कहते हैं आकार जो है ये आईपी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव घटेगा। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लेते हैं, क्लियर। इधर से इधर जा रहे हो
तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा तो आईपी इसके अनुसार घटेगा, मतलब क्रम क्या हो जाएगा, जैसा यहां था वैसे ही यहां हो जाएगा। ठीक, नंबर दो, दूसरे फैक्टर की बात करें वो लेते हैं हम जेड इफेक्ट, प्रभावी प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो ये नाभिक है और ये कोस है, 1 2 3 4, तो हमने कहा प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा तो नाभिक का पावर बढ़ेगा क्या, तो नाभिक बाह्यतम कोस के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करके रखेगा, उन्हें खींच के रखेगा, बांध के रखेगा। तो क्या आप आसानी से निष्कासित कर सकते हैं, नहीं, तो हम क्या कहेंगे, जेड इफेक्ट जो है यह समानुपाती होता है आईपी के, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन विभव भी बढ़ेगा, आप आसानी से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं कर सकते। नंबर तीन, थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा, जब भी क्वेश्चन अगर कारकों से आता है तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन क्या है वो, सॉरी थर्ड फैक्टर क्या है, हम कहेंगे अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। ठीक बात है, तो देखो हम ऐसे कहते हैं जो तत्व अर्धपूरित या पूर्ण पूरित स्थायित्व रखता है, मतलब उसका जो विन्यास है वो या तो अर्धपूरित विन्यास हो या फिर वो पूर्ण पूरित विन्यास रखे, जो तत्व अर्धपूरित या पूर्ण पूरित विन्यास रखता है उस तत्व का आयनन विभव अपने आवर्त में अपने से एक स्थान आगे वाले तत्व की अपने से एक स्थान आगे वाले तत्व की तुलना में अधिक होता है, जिस भी तत्व में अर्धपूरित या पूर्णपूरित स्थायित्व की कंडीशन आएगी हम कहेंगे उस तत्व का आयनन विभव अपने आगे आने वाले तत्व से ज्यादा हो जाएगा। मतलब समझो, मैंने एक एग्जांपल लिया, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, ठीक बात है, इसका विन्यास क्या होता है, 1s2 2s1, इसका 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2। देखो s में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं पर इसके पास एक ही है, मतलब ये खाली है, इसमें चलो s में दो आते हैं, दो हैं, मतलब ये पूरा भरा हुआ है, इसमें पूर्ण पूरित स्थायित्व है। या p में 1, p में 6 भरे जा सकते हैं पर एक ही भरा हुआ है, मतलब ये रिक्त है, या 6 भरे जा सकते हैं, दो है, मतलब ये रिक्त है। अब आप ये कहते हो कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव